ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर हालात सामान्य नज़र आते हैं, स्थिति कंट्रोल में नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर 9 ही पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन अभी तक डेथ वहाँ पर एक भी नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्थिति अभी कंट्रोल में है। सरकार लगातार नज़रें बनाए रखे हैं और यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल भी ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके भी लगातार नज़रें बनाए रखे हैं जो छत्तीसगढ़ में हालात बने हुए हैं। तो इस पर हमारी साथ अनुसुईया उइके राज्यपाल जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। मैम, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी लगातार बने हुए हैं। शरद जी, आपका रुख करना चाहूंगा, ओवर टू यू। जी, बहुत स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके जी हमारे साथ हैं और एक सहज सरल व्यक्तित्व और बहुत सहज रूप से जीवन को देखने समझने वाली, एक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाली और इस समय एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर अनुसुईया जी हैं। अनुसुईया जी, किस तरह से आप देखती हैं, परिस्थितियाँ काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं, छत्तीसगढ़ भाग्यशाली भी है और आप सबकी कोशिशें, छत्तीसगढ़ सरकार की, आप सबकी, जिस तरह से आप वहाँ आगे बढ़े हैं, वहाँ काफ़ी नियंत्रित हालात हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और तमाम जो दूसरे राज्य, महाराष्ट्र विशेषकर, वहाँ स्थितियाँ बहुत चैलेंजिंग है, किस तरह आप देखती हैं परिस्थितियों को? देखिए, मेरी दृष्टि से आज पूरा विश्व जो है किस तरह से कोरोना जो है वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, और मैं तो इस छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जनता को, और शुभकामना देना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़ी धैर्यता के साथ हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को अपील को लॉकडाउन के दौरान जो उन्होंने धैर्यता दिखाई है और पूरी तरह से प्रशासन शासन स्तर पर हमारे डॉक्टर्स हैं, सामाजिक संस्था है, मीडिया है, तमाम सारे लोगों ने आगे आकर और इस तरह के संक्रमण को रोकने के लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं और ये बधाई के पात्र हैं। अगर ये सब लोग समय पर अगर सक्रिय नहीं होते तो आज जैसे आपने कहा मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों की तुलना में फिर भी हमारे यहाँ पर इस तरह का पॉजिटिव जो है काफी कम है, 9, और उसमें भी 3 लोगों को जो है रिलीव कर दिया गया, वो बहुत मतलब ठीक हो गए हैं, और बाकी जो 6 लोग हैं वो भी अभी इस समय डॉक्टरों से मेरी बात हुई थी, डीन के एम्स के, वो भी एक अच्छे स्वस्थ हो रहे हैं और शीघ्र ही वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। ईश्वर से मेरी उनके लिए भी एक प्रार्थना है। बिल्कुल, आपने ये बात ठीक कही। जी जी जी, प्रधानमंत्री का एक आह्वान भी जो आया है कि रविवार के दिन हम दीप जलाएं, एकजुटता का संदेश, एक दूसरे को ढाढ़स बंधाने की भी कोशिश और एक दूसरे को ये संदेश देने की भी कोशिश कि कोई अकेला नहीं है, हम सब साथ खड़े हैं, और मुस्कुराते हुए दीप जलाकर ये बताने की कोशिश भी हम करेंगे कि हम सब लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम ही जीतेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो बहुत स्वागत योग्य है और बड़ा सकारात्मक है। आज हम, मैं समझती हूँ कि इस लॉकडाउन से जो है कभी जीवन में कोई भी व्यक्ति इतने समय तक घर पे नहीं रहा है, और जिस, क्योंकि ये परिस्थितियां ऐसी है कि ये लॉकडाउन केवल प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए नहीं किया है, सब स्वयं के लिए किया है, इस देश के 125 करोड़ लोगों के जीवन के लिए किया है, और ऐसी ऐसे समय में उन्होंने यही आह्वान किया है कि आप एक नहीं हैं, हम सब 125 करोड़ लोग एक साथ हैं, और ऐसी स्थिति में हम जिस तरह के मुकाबला कर रहे हैं अन्य देशों की तुलना में, आपने देखा होगा किस तरह से अमेरिका, इटली, चाइना, स्पेन, जापान, कितने लाखों लोगों इस संक्रमण से जो है उसमें आ गए हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है, तो उसकी तुलना में हमारे देश में जो इतनी बड़ी जनसंख्या है और इस तरह से लोगों ने इसका पूरा सहयोग दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समय पर ये कदम उठाकर इस देश की जनता के जीवन के लिए जो कदम उठाया है वो स्वागत योग है, और इसीलिए हम इसको अपने जीवन में और खुशी और जो कहना चाहिए कि और उजाला आए, उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सब लोग वो सब प्रार्थना करें ईश्वर से, और एक मोमबत्ती या आपका दिया हो
या टार्च हो या मोबाइल का वो हो, जो भी हो, आप 9 मिनट के लिए आप लाइट बंद करके और इस तरह का जलाएं, ताकि इसका ये संदेश जाएगा कि हम जीवन में, हमारे जीवन में फिर से जो अंधेरा आया है उसको हम उजाला फिर से हम लाएंगे और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत एक अच्छे ढंग से होगी। ये उनके पीछे मकसद है। लोगों में एक जो तनाव और टेंशन से जो व्यक्ति जूझ रहा है इस समय, ये तमाम सारे लोग ना समझे कि हम अकेले हैं, हम 125 करोड़ जनता देश की, हम एक दूसरे के साथ हैं। इसके पीछे उनका मकसद देशवासियों के लिए यही रहा है। ये बहुत स्वागत योग्य उनकी एक अपील है और इस देश के प्रधानमंत्री जी को तो मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने आज ये पूरे देश में इस संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए जो समय समय पर उन्होंने आह्वान किया है, लोगों ने उसका पालन किया है, मैं तो बधाई देती हूँ। मैं प्रदेश इस छत्तीसगढ़ की जनता को और देश की भी जनता को कि उन्होंने बड़े धैर्यता के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी को अपील को स्वीकारा है। जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ ने जिस तरह का एक एग्जाम्पल सेट किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें छत्तीसगढ़ की जनता, प्रशासन, सरकार और तमाम वो लोग, खुद गवर्नर, इन सब की भूमिका सकारात्मक रही है, ख़ासतौर से सरकार के प्रयास और जनता की उस पर प्रतिक्रिया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुमित, बिल्कुल, चर्चा लगातार हमारी जारी है, लेकिन इससे पहले कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। कोरोना इस कदर तेजी से दुनिया में विस्फोटक हो गया है कि उससे बचने के लिए संसाधन कम पड़ रहे हैं। लोग इसके बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मास्क सिर्फ मुंह और नाक तक ही सीमित रहता है। ऐसे में आंखें मास्क से सुरक्षित नहीं हो पाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भोपाल के शरद सोनी ने हेड गियर बनाया है, जिसे लगाने से चेहरा पूरी तरह से कवर हो जाता है और ये हेड गियर शरद सोनी ने घर के सामान का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया, जो बड़ी बात है। इसका इस्तेमाल स्वास्थ्यकर्मी समेत पूरे प्रदेश के लोगों के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम शरद सोनी है, मैं भोपाल में रहता हूँ और मैंने एक ऐसा हेड गियर बनाया है जो हमारे यहाँ के हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, पुलिस फोर्स, वॉलेंटियर्स और काफ़ी लोगों को बचाने में ये मददगार साबित हो सकता है। जैसे कि अभी इस तरह के हेड गियर की काफ़ी कमी है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट ये इतना इजी है कि आप इसको अपने घर पे बना सकते हैं और लोगों को डोनेट कर सकते हैं और डॉक्टर्स भी इसका काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी कलेक्टर, कमिश्नर और अलग अलग लोगों से गुजारिश है कि वो अपने अपने शहर में इस तरह के हेड गियर बनवाएँ, डॉक्टर्स को बाँटें और उनकी हेल्प करें। इसको बनाया किस तरीके से जा सकता है कि इसमें एक ट्रांसपेरेंट शीट जो आपके घर में होती है बच्चों की फाइलों में लगाने वाली, प्लस एक जो है इसको फाइलिंग के लिए जो काम में आता है स्पायरल बाइंडिंग के लिए, इस तरह का एक जो प्लास्टिक का स्पायरल बाइंडिंग कनेक्टर होता है, ये कनेक्टर को आप आसानी से ले सकते हैं या ये स्टेशनरी की शॉप वगैरह पर भी अवेलेबल होता है। आपके बच्चों की फाइलों में ऐसे काफ़ी कनेक्टर आपको मिलेंगे जो आपके घर में अवेलेबल होंगे। तीसरी चीज़ है कि एक आपका जो हेडबैंड जो आपकी महिलाएं बच्चे इसको सिर में लगाने के काम में लेते हैं, इसको इस तरह से सिर में लगाती हैं, इसको आप आसानी से इसमें बना सकते हैं। आप एक शीट के अंदर इसके अंदर स्पायरल बैंडिंग वाले को इसको आप फिट करिए। इस तरह से ये फिट होने के बाद आप खाली कुछ नहीं करना है, इसको आप ये इसके अंदर पहना दीजिए और ये आपका हेड गियर तैयार हो गया। ये बहुत ही आसानी से आपके चेहरे को इस तरह से कवर कर सकते हैं जिससे आपको 100% प्रोटेक्शन मिल सकता है वायरस के खिलाफ, क्योंकि लोग जब ये वायरस जो ड्रॉपलेट्स में होते हैं, ड्रॉपलेट्स हमेशा नीचे जाते हैं और ये चूंकि आप ऊपर सिर की तरफ से इसको लगा रहे हैं तो ड्रॉपलेट्स कभी भी कोई भी आएगा तो वो यहाँ से नीचे जाएगा, आपको डायरेक्ट हिट नहीं करेगा। तो मास्क के पहनने के बाद भी ये आपको और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। इसको मास्क के साथ एक आपको पहन के बताता हूँ कि अगर इसके बाद हमें मास्क लगाया हुआ है जो कि डॉक्टर्स का यूज़ करते हैं, आप इसको पहन लीजिए इस तरह से, और एक शॉवर कैप जो हर घर में करीब करीब होती है अगर आप इसको लगा लेते हैं तो आप इसको अपने आप 100% इससे बचा सकते हैं, क्योंकि इससे आपके कान भी कवर हो रहे हैं, आपकी आंखें कवर हो रही हैं, आपके नाक कवर हो रहे हैं, आपका चेहरा कवर हो रहा है। तो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, पुलिस फोर्स इसको बहुत आसानी से घर में भी बना के यूज़ कर सकती है,
ये चीज़ें हर जगह उपलब्ध हैं और जो बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इसको आप यूज़ करें, हेल्थ वर्कर्स को बांटें और आप अपने शहर में जहाँ जहाँ लोगों को दे सकते दें और आप खुद भी प्रोटेक्टर रहें। हम इस लड़ाई से ज़रूर ज़रूर जीतेंगे। धन्यवाद। तो देखिए साहब, बहुत ही आसान तरीका है, शरद सोनी जी की सोच की हम बहुत तारीफ करेंगे। तो हमारे साथ खुद शरद सोनी जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। धन्यवाद जी। शरद जी, हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी बने हुए हैं लगातार, अगली आवाज़ उन्हीं की होगी। शरद जी, ओवर टू यू। जी सोनी साहब, बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये इनोवेशन है और ये बहुत ही काम का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप टिकाऊ भी है, सस्ता भी है और बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और कि इसको कमर्शियली, थोड़ा सा कमर्शियली से मेरा मतलब ये नहीं है कि पैसे कमाने के लिए, लेकिन क्या आपकी कलेक्टर से कुछ बात हुई कि इसका बल्क में प्रोडक्शन हो सके और बहुत कम लागत में तैयार होने वाली चीज़ है, तो इस वक्त ज़रूरतमंदों को अगर ये बल्क में बनेगा तो ज़्यादा मददगार हो पाएगा। आपकी बात हम तो पहुँचाने की कोशिश करेंगे भी। बहरहाल आपको बहुत बहुत बधाई है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, इसको बल्क में बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है जी। और हमें ये करना है कि कुछ एक स्टेशनरी की शॉप और स्पाइरल वाइंडिंग की शॉप को अगर कलेक्टर खुलवा लें कुछ समय के लिए, ज्यादा टाइम के लिए नहीं। जी जी जी। तो वहां से ये जो व्हाइट ट्रांसपेरेंट शीट है इसमें उसको छेद किया जा सकता है और उसमें स्पाइरल वाइंडिंग को, जो कनेक्टर होता है उसको लपेट के अगर उसमें डाल दिया जाए। और ये जो हेडबैंड है ये करीब करीब हर घर में हर महिला के पास होता है, तो हमें हेडबैंड भी कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है जी। सिर्फ हमको अगर एक शीट मिलती है और उसके अंदर ये स्पाइरल बाइंडिंग का सामान लगाने का मिल जाता है, जो कि बहुत आसान है और ये दिन भर में 5 से 10 हज़ार बनाए जा सकते हैं एक ही दुकान से अगर इसको ले लिया जाए। और जैसा देखा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मास्क की आ रही है और ये प्रोडक्ट मास्क से भी 100 गुना ज्यादा बेटर असर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि N95 मास्क जो रहता है वो 95% तक बैक्टीरिया को कट ऑफ करता है। अगर ये जो प्रोडक्ट है ये 100% बैक्टीरिया को अलग कर सकता है और जो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो सकता है, तो मेरी सारे शहर में कलेक्टर्स से, सीएम से, पीएम से ये अपील है कि आप अपने अपने शहर में इसको, इस तरह की शॉप्स को खुलवाएं। स्पाइरल बाइंडिंग की शॉप बहुत है, भोपाल में भी काफ़ी शॉप है, हर शहर, छोटे गाँव, गली, कस्बों में होती है। वहाँ पर इसको अगर हम लेकर जाएं, वहाँ पर उसको इसको प्रोडक्शन करा जाए तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये प्रॉब्लम को ठीक तरीके से फाइट किया जा सकता है। इसको हम आराम से इस कोरोना वायरस से इसको बच सकते हैं, अपने हेल्थ वर्कर्स को बचा सकते हैं। आपने देखा है कि काफ़ी जगह पर हेल्थ वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है, लोग उन पर थूक रहे हैं या उनको धक्का दे रहे हैं, या वायरस की इतनी ज़्यादा संक्रमणता अगर बढ़ जाती है बाद में, तो जगह आई है शरद जी। जी, 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 सस्ता और कारगर उपाय है जिसको आसानी से बनाया जा सकता है और जिस लड़ाई को हम काफी हद तक जीत सकते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आपने इस चुनौतीपूर्ण समय में, चैलेंजिंग टाइम में, आपने ह्यूमैनिटी के लिए सोचा और न सिर्फ सोचा बल्कि अपने घर में बैठकर एक बहुत ही सुंदर इनोवेशन, मैं आपको बता दूं कि एक युवा उद्यमी हैं, एक यंग बिजनेसमैन हैं शरद जी, और लगातार वो सोचते रहते हैं, सामाजिक कंसर्न उनकी काफ़ी होती है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण उनकी पहल है और हम ये बात बंसल न्यूज़ ज़रूर ज़िला प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाएगा कि बहुत आसानी से ये जो एक पूरी तरह से कवर करने वाला एक मास्क है वो किस तरह तैयार हो सकता है और एक दिन में, जैसा शरद हमें बता रहे थे कि 5 से 6 हज़ार मास्क आसानी से तैयार हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद शरद आपका। सुमित। बिल्कुल शरद जी, मैं आपके पास लौटूंगा, फिलहाल कुछ और खबरों का रुख करेंगे हम। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने एक ट्वीट किया है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि इंदौर में स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक अमले पर हमला शर्मनाक है, उपद्रवियों का किया गया जानलेवा हमला घोर निंदनीय है, ये घटिया मानसिकता का प्रतीक है, कोरोना जैसी महामारी से निपटने सहयोग करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, प्रशासन को पूर्ण सहयोग करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सीनियर कांग्रेस लीडर, ये कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, इंदौर में जो घटना घटित हुई है उस पर उन्होंने ट्वीट किया है।
और वो लिखते हैं, ट्वीट करते हैं कि इंदौर में स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक अमले पर हमला शर्मनाक, उपद्रवियों का किया गया जानलेवा हमला घोर निंदनीय है। तो इस समय हमारे साथ खुद सुरेश पचौरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सीनियर कांग्रेस लीडर, फोन लाइन पर बन चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। सर, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी भी बने हुए हैं, उनका ही रुख करना चाहूंगा। शरद जी, ओवर टू यू। जी, बहुत स्वागत करते हैं पचौरी साहब आपका, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मुझे लगा आपके ट्वीट का, वो ये कहता है कि ये इस समय एक राष्ट्रीय विषय है। भारत की हम बात करें, वैसे तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, और हम सब अपनी सीमाओं के भीतर एक, क्योंकि हर देश जूझ रहा है इस चुनौती से, लेकिन राष्ट्रीय हित से जुड़े किसी विषय में अगर कोई उपद्रवी या कोई भी खल तत्व इस तरह की बात करता है तो ये बहुत दुखद है। और आपने ये कहकर सारी चीज़ों का बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि राष्ट्रीय हित के से जुड़े विषय में कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाती है, और बेहतर यही है कि हम सब और कर ही रहे हैं। 90% से ज़्यादा लोग, क्या मुझे लगता है 95% से ज़्यादा लोग इस समय कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ अज्ञानता और कुछ गलतियों की वजह से कुछ चीज़ें आती हैं सामने। बहरहाल, क्या कहेंगे आप इंदौर की घटना पर और ओवरऑल कोरोना से हमारी जो लड़ाई है उस पर? देखिए, जहाँ तक कोरोना जैसी महामारी का प्रश्न है, ये एक वैश्विक संकट है जी, और हमारे देश में जो चुनौती कोरोना की हमारे सामने है, उसके लिए एकजुटता दिखाना बहुत आवश्यक है जी। रही बात इंदौर की, तो इंदौर में जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, जो वहाँ डॉक्टर, उनकी टीम और प्रशासकीय जो सभी साथी सेवारत थे, उन पर जो शर्मनाक जानलेवा हमला हुआ है जी जी, वो निश्चित रूप से निंदा भर करने से काम नहीं चलना है। उसके लिए हमें समुचित कदम उठाना पड़ेगा, और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सेवारत जो हमारे रात दिन, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, चाहे प्रशासकीय कर्मचारी हों, उनकी सुरक्षा का हम इंतजाम करें, उनका उत्साह वर्धन हम बढ़ाएं, ना कि हम उनका उत्साह घटाएं। उनका मनोबल बढ़ाना है, घटाना नहीं है, ये एक समय का तकाजा है। और मैंने जब ये कहा कि ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, तो निश्चित रूप से WHO की जो रिपोर्ट आ रही है, इन्फेक्शन डिसीज के एक्सपर्ट्स की जो गाइडलाइंस आ रही हैं, उसका अक्षरशः पालन करना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। बिल्कुल, आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही है, और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी स्थिति में इसमें कोई व्यवधान बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है और हम सब के जीवन से जुड़ा विषय है, इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण। और जिस पर पचौरी साहब का ट्वीट जो है, वो सारी स्थिति को बहुत बहुत ही क्लेवरली बयां करता हुआ हमारे सामने आता है कि ये राष्ट्रीय हित का विषय है, और इसमें कोई भी इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और बहुत ही स्टर्न एक्शन, सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। बहुत धन्यवाद सर आपका। जी जी, सुमित। तो बिल्कुल जी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां पर ये घटना हुई थी। यहां पर स्वास्थ्य कर्मी महिला का इलाज करने के लिए गए हुए थे, उसे लेने के लिए गए हुए थे जो पीड़ित थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने उन पर पथराव कर दिया, और ये निंदनीय घटना इंदौर से सामने आई है, जिसकी हर कोई निंदा कर रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस जंग में, कोरोना वायरस से इस जंग में, यही हमारे असली योद्धा हैं, जो अपनी जान जोखिम में ढालकर हमारी सेवा कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए देश में लागू 21 दिन का लॉकडाउन है। लॉकडाउन में पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी पर हैं। इन सबके बीच जगदलपुर से एक छोटे से बच्चे की मार्मिक अपील सामने आई है, जिसमें बच्चा हाथ में एक पोस्टर पकड़े हुए है, जिस पर लिखा हुआ है कि आप लोगों के लिए मेरी मम्मी घर से बाहर हैं, आप लोग अपने परिवार के लिए घर से बाहर मत निकलिए।
वहीं कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने विशेष पहल की है। राजधानी भोपाल के एक निजी अस्पताल जाकर पुलिस ने डॉक्टर्स की हौसला अफजाई की, साथ ही साथ पुलिस ने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ ताली बजाकर हम होंगे कामयाब के गाने के साथ उनका मनोबल बढ़ाया है। तो मनोबल बढ़ाने की जरूरत भी हम सभी को है, पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है, स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल भी बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी को लेकर यहाँ पर पीएम मोदी ने देश की एकता को दिखाने के लिए रविवार को 9:09 तक मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैश लाइट, दिया जलाने की अपील जनता से की है। सबका मनोबल बढ़े और देश की एकता भी दिखे। तो शरद जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।